सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। और सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आपका प्यार और सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और साथ ही आज बता दूं कि हमारा मैच है मधमेश्वर घाटी की ओर, और मधमेश्वर घाटी के मनसूना गांव में हम लोगों का मैच है। यानी कि आज जो हमारा मैच होगा वो होगा TCC के साथ। TCC बोले तो तुंगेश्वर क्रिकेट क्लब मस्तूरा के साथ, जिन लोगों ने कल मेखंडा से फाइनल उठाया है। और वहीं MCC की बात करूँ तो MCC पहले ही एक फाइनल उठा चुकी है त्रियोगी नारायण से। तो इस घाटी की दो सबसे बढ़िया टीमों के बीच आज का ये मैच होने वाला है। कह सकता हूँ कि दोनों टीमों में युवा उभरते हुए सितारों की पूरी फौज खड़ी है। और देखते हैं कि कौन सी टीम बाजी मार के ले जाती है इस मैच में। तो मिलेंगे आपको सीधे मनसूना से। स्टेबिलिटी देखो नहीं ये है तो गली से नहीं अभी भी बल्ले का रन आना बाकी है। लंबे रन के साथ चले राइट आर्म राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, और अच्छा गेंदा हिट करना चाहते थे लेकिन मिस हो गए। और क्या है यहाँ पर किशोर मनवाल कर रहे हैं लगातार। सुबह देख का फिर से चले बहुत अच्छी शॉट खेल दिया इसको और टीम की ओर से यहाँ पर दूसरा ओवर। और इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर समझ नहीं पाए किशोर शर्मा खेलना चाहते थे कीपर के दस्तान में गेंद। और इस बार अच्छी गेंद वहां पर कैच होने का खतरा, लेकिन प्राकृतिक बाधाओं के कारण यहाँ पर कैच उतारते उतारते उसको उतारते जबरदस्त एक बेहतरीन यहाँ पर तो पूरे दस ओवर इस बार अच्छी गेंद वहां पर। और एक रन देने से और इस बार अपने कोटे का पहला ओवर। और इस बार अच्छी गेंद वहां पर हल्के हाथों से खेला इस गेंद को और एक रन से नहीं रोक पाए। हमारे दर्शक काफी मनोरंजन इस क्रिकेट के इस बार अच्छी गेंद खेलना चाहते लेकिन खतरा यहां पर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। बहुत बढ़िया खिलाड़ी अभी आने बाकी हैं। और इस बार चले हरेंद्र अपने कोटे का पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर। इस बार अच्छी गेंद नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज पहुंचता हुआ। अच्छे गेंदबाज अच्छे बल्लेबाज अच्छी टीम है दोनों बेहतरीन टीम है इस क्षेत्र की। और इस बार चले अंपायर को पार किया हुआ और इस बार अच्छी गेंद जल्दी हो फटाफट कबुने 10 ओवर जी जल्दी हो फटाफट। और एक दबाव होगा के ऊपर भी और लेने से नहीं रोका लेकिन दूसरा लेने की कोई गुंजाइश नहीं। और मिस्टर धन्यवाद मिस्टर मनीष साहब। और मैं सबसे पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, कोई आसान नहीं होता है किसी भी टूर्नामेंट को करने का। एक बार फिर से अच्छी गेंद और एक आसान सा कैच और पहला झंडा TCC मस्तूरा के लिए कर रहे थे बल्लेबाज। और वहां पे जो गेंद थी वो अंदर की तरफ आती हुई बिल्कुल उसको सीधे पल्ले से खेल बैठे बल्लेबाज और एक आसान सा कैच वहां पे शॉर्ट कवर के फील्डर के द्वारा। तो मैं यहां पे धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी के जो अध्यक्ष है श्री संजय मनवाल जी, नाम के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी करते हैं। वहाँ राउंड विकेट अच्छी गेंद वहां पे कट कर लिया है स्लिप की दिशा में, वहां पे फील्डर जरूर अच्छी फील्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है
घरेलू जो मैचेज होते हैं उनमें इस प्रकार के मैदानों में राउंड विकेट दिगंबर के लिए दौड़ना प्रारंभ किया। पार्क पार्क प्रारंभ किया, बिल्कुल अंदर की तरफ आते हैं गेंद, आसान कट लगाया बल्लेबाज, ओवर है वो काफी अभी शेष है पर स्कोर काफी धीमे गति के साथ बढ़ता हुआ। एक बार फिर से अच्छी गेंद लेकिन वहां पे ऑफ स्टंप से खासा बाहर और अंपायर का इशारा हुआ है तो बाधा के कारण क्षमा चाहेंगे। एक बार फिर से खेल पुनः प्रारंभ होता हुआ और यहाँ से अच्छी गेंद बिल्कुल भागना चाहते हैं और पिछले चार पाँच सालों से लगातार चलता हुआ मिस्टर गणेश वर्मा इस अगुवाई करते हुए एक बार फिर से गेंदबाज वहाँ पे थोड़ा घुसा गरीब भरते हैं और एक रन जरूर गेंदबाज का नाम जानना चाहिए। दीपक आए हैं नए गेंदबाज के रूप में, हालांकि दिशा जरूर भटके हैं। एक बार फिर से चले दीपक इस ओवर में अगली बार और इस बार जरूर बैट बॉलर खेला, हवा में जरूर ऊंची गेंद और फील्डर ने जरूर प्रयास किया है। दूसरे रन के लिए भागना चाहते हैं, खतरा हो सकता है और वहाँ पे अपील जरूर अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास होते। अब पुनः दीपक अपने बॉलिंग एंड में तैयार, राउंड द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ के बिल्कुल समय नहीं पाए और मेरे साथ ही कमेंटेटर मिस्टर मनीष राउत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो मनीष भाई आप क्या देखते हैं आज एफसीसी की जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे किस हिसाब से यहाँ पे फील्डिंग करते हुए पीसीसी मजदूरा और गेंदबाजी बेहतरीन। बिल्कुल मिस्टर कुमार जी और यहाँ पर जो एफसीसी के उसके ऊपर बल्लेबाज बेहतरीन गेंदबाज हैं इधर अच्छी गेंद यहाँ पर खेल दिया है लेफ्ट साइड की दिशा में जब तक गेंद को फिल करते एक रन पूरा किया इसी एक रन के बाद यहाँ टीम का स्कोर यहाँ पर एक इस हिसाब से अब यहाँ पर बल्लेबाजी करा और दो रन आसानी से पूरा करती है कोई गुंजाइश नहीं वहाँ पर अच्छी फील्डिंग इसी दो रन के साथ बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं मैच को देखने के लिए। इस बार यहाँ पर आसानी से दो रन पूरा करती है और तीसरे रन लेना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग और छह रन बना के अपनी टीम के लिए खेले हैं अच्छी को उनके ऊपर और एक रन आसानी से पूरा किया किसी एक रन के साथ जहां टीम का स्कोर एक लंबे हाथ दिखाने का मिशा अभिषेक को एक बेहतरीन बल्लेबाज क्षेत्र के बॉलर ने अपनी हरे अंदर अपने कोटे का दूसरा और इस बार हल्का सा एक हाथ लगाया और एक रन और एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं आप इस क्षेत्र के और इस बार खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंदबाजी के दस्तान में और इस बार चले इस बार अच्छी गेंद हवा में गेंद जरूर गेंदबाज के घर से ऊपर से और एक रन दौड़ कर पूरा किया और इसी के यहाँ पर जोखिम नहीं लिया और इस बार खेलना चाहते थे वहाँ पर एक रन आसानी से पूरा किया प्राकृतिक बाधाओं के कारण रन आउट होने तक गेंद को कलेक्ट करना और इस बार चले अच्छी गेंद वहां पर और गेंद आउट निश्चित रूप से चौथा झटका और बेहतरीन दो विकेट एक खराब शॉट खेली मिस्टर अफ्रीका जी
यह पिछले टूर्नामेंटों में इनके द्वारा रीस इस बार छोड़ लगता है सुनील कुमार के फील्डर के पास जरूर बॉक आने के लिए बहुत ही थोड़ा सा दूर एक रन के लिए भागे हैं और एक रन के साथ यहाँ बल्लेबाज ने अपना सतीश आए हैं बल्लेबाजी छोर में और रोहित है बल्लेबाजी छोर से तो सतीश चले इस ओवर में राउंड द विकेट कहीं उम्मीद को बांधे रखा है बल्लेबाज ने फिर से सतीश चले इस ओवर में जवाब बेटे खेलता रहे बेटे खेलता रहे जरूरत है और लगातार हट यार खराब शॉट के कारण जरूर हुए है जहाँ दो जो कैच हुए थे शॉर्ट कवर के फील्डर के द्वारा वो भी बेहतरीन गेंदे थे बल्लेबाज के मिस्टर रोहित दो छक्कों की मदद से 13 के योग पे टग आउट की राह बेहतरीन प्रदर्शन किया है टीसी पंचकुला ने सुधीर से काफी से अपने बॉलिंग एंड में तैयार वही दीपक पहली बार सामना करेंगे दीपक के लिए दौड़ना प्रारंभ किया उसके लिए हट के खेलने का प्रयास बल्लेबाज के और काफी दो बड़े ही जरूर लगे हैं इस ओवर में लेकिन अच्छी वापसी की है आउटफील्ड स्लो जी यार और एक बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे और एक रन मात्र अपने हाफ सेंचुरी से दूर है टीम वापिस से मिस्टर सतीश चले सुपर बैक नहीं बार हरी अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से दबा ओवर गोल करेंगे कवर की दिशा में खेलने का प्रयास और एक रन की तरफ से स्कोर 50 रन कर पाए हैं कहीं ना कहीं जो विकेट है लगातार विकेटों की झड़ी है लगती भी और जहां तक बात करें हमारे स्कोरर मिस्टर जितेंद्र बता रहे हैं कि अब तक पहला विकेट 8 रन के योग पे आउट हुआ था दूसरा विकेट 16 के योग पे तीसरा विकेट 23 के योग पे चौथा विकेट 31 के योग पे और 47 के योग पे पांचवा विकेट और राउंड का विकेट दौड़ना प्रारंभ किया बर्द मार गया लॉस कर दिया है जब तक फील होती है एक बल्लेबाजों ने अपने और एक और धक्का जरूर है फील्डर के पास एक रन और टीम के खाते में जुटा है चार अच्छी गेंद फुल टॉस गेंद जरूर थी हरीश से काफी से दाएं हाथ की गेंदबाज राउंड भी दौड़ना प्रारंभ किया पार्क पार के इस बार हवा में जरूर बाउंड्री की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती है एक रन आसानी के साथ पूरा करने बहुत जबरदस्त यहां पर मुकाबला होने वाला है और 10 ओवर की फर्स्ट गेंद मिस्टर परवीन त्रिवेदी बेहतरीन विकेट और एक बेहतरीन यहां पर क्रिकेट दोनों टीमें काफी सक्षम एक बेहतरीन टीम इस क्षेत्र की और इस बार डबल जट तेज 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 यार पूरा किया उनके पास ये ना भूलें कि 57 या 50 के करीब यहाँ पर रन बनाएंगे लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज भी अपनी टीम के लिए और अंपायर को पार करते हुए ठीक है और यहाँ पर 17 और उनके द्वारा देखा गया यहाँ पर और मिस्टर त्रिवेदी अंपायर को पार करते हुए इस बार अच्छी गेंद डबल कर डबल कर डबल कर की दिशा में यहाँ पर और यहाँ पर एक रन दौड़ के पूरा किया और अपनी टीम को एक प्लेट फॉर्म देने की जरूरत उनको और इस बार अच्छी गेंद और एक देखने के बाद इस बार से लेते हुए अच्छी गेंद तो
राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, बहुत अच्छा शॉट अनुराग का, हर किसी का सामना करना है, मोहित चले राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया। बढ़िया यही फिजिकल था, आज भी वही फिजिकल है, मोहित बहुत अच्छी दिशा से बोल रहे अंपायर में नजर आए, लेकिन राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, रनिंग ले ले, आजा आजा आजा, अब से चले अंपायर को पार किया, बिल्कुल अच्छी है, अभी चले बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, देखिए बिल्कुल बहुत ही गेंदबाज क्षेत्र के परवीन त्रिवेदी शाबाश शॉट को करना है, चल कोई बॉल गोली का तो बॉल खत्म, जी राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलिंग करा रहे हैं मोहित चले राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, अमरी से आउट हो मोहित, इस बार फिर से चले राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, और ये अच्छी गेंद है, किसी तरह से बटा मोहित एक बार मैंने कहा बोल दी गया, ओह वेग जोर पे है यहां पर, एक्सपर्ट और मोहित चले राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, फिर से बटा आए हैं मोहित, इस बार दोबारा फिर से चले राइट आर्म ओवर द विकेट, हिट करना पड़ता है मोहित, इस बार दोबारा राइट आर्म ऑन द विकेट, अंपायर को पार किया, शाबाश बजा यार, चलो भाई अच्छा मन, डबल गेंदबाजी से आएंगे ये बड़ा सवाल है, फिलहाल सेगमेंट ना चले राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को पार किया, ये गेंद थोड़ा बदल गई, सेगमेंट ना एक बार फिर से चले राइट आर्म राउंड द विकेट से बॉलिंग करा रहे हैं, बहुत अच्छे गेंद पर रेडी, अगर मिस करते हैं तो संभावना एमसीसी से खेलने लग गए, और अब फिर एमसीसी के खिलाफ मैच भी खेल रहे हैं, क्या चीजें हैं ये सब बातें पूछी जाएंगी उनसे, सेगमेंट ना फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट, वाइड से नरे बिल्कुल लगभग 10,000 से ऊपर, यहाँ पे एक बार देख ले कुछ नहीं रे, कुछ नहीं डबल दे रहे जानी जाती है, दीवाल फोन शॉट है लड़के शाबाश, नितिन क्या करना है, जय भाई जी अब कॉल हूँ दूसरी बार, चले राइट आर्म राउंड द विकेट,
छोड़ दी कॉमेडी कंस खाली मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं याद वैसे कमेटी की टीम सीखे नहीं राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार किया और ये चले राइट आर्म